अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जी आज एक नए व्लॉग के साथ। और आज में हमारी एक्टिविटी होगी गिलगित के एरिया यासीन वैली में ब्रेगेजर और मुलहक्का जो नदी है उससे ट्राउट मछली को पकड़ना। ये सारा एरिया जो है वो गोल्डन ट्राउट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस एरिया में गोल्डन ट्राउट बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होती है। तो आज हमारे दोस्तों की एक टीम मसरूफ़ है इस सारे एरिया में। और मकसद क्या है जी कि आज हमने इंशाल्लाह फिशिंग करनी है और ये ट्राउट मछली जो है, ये गोल्डन ट्राउट जो है, इसको हमने पकड़ना है इंशाल्लाह। इस एरिया में मौजूद गोल्डन ट्राउट जो है ये बहुत ज़्यादा लजीज होती है। अगरचे इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन मुसलसल मेहनत करते रहे। हमारे दोस्तों ने काफ़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपना वक्त लगाया और मायूस नहीं हुए और बिलाखिर उन्होंने आगाज़ कर दिया। ये देखें, और फिर उसके बाद तो हमने काफ़ी ज़्यादा पकड़ ली, एक नया हौसला मिल गया और सारी ले के हम पहुँचे शाम को एक होटल में। यह हमने अपनी निगरानी में उनको कटवाया, उनके ऊपर स्पेशल जो फिश मसाला है वो लगाया गया साफ सुथरा करके, और फिर हमने इस सारी को फ्रीज करवा दिया। ये देखिए, नमक का छिड़काव किया जा रहा है, मसाला ऑलरेडी लग गया है। और रात को हम इसको फ्रीज करेंगे और सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में, चूँकि आज का कोटा हम पूरा कर चुके हैं, ऑलरेडी हम खा चुके हैं, तो नाश्ते का जो कोटा है उसमें ये फिश हम इंशाल्लाह खाएंगे तैयार करवा। नहीं जी, अब फिश को फ्राई करने का टाइम आया है और हमारा जो मेज़बान है होटल का वो ये देखें फ्राई कर रहा है इसको। ऑलमोस्ट हमारी सारी फिश जो है जी वो फ्राई हो चुकी है और अब
सर्व करने की पोजीशन में आ गई है। बाकी जो पराठे चाय आमलेट वगैरह का भी ऑर्डर हमने किया हुआ है उसके साथ ही ये लेके आएगा। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है और हम नाश्ता करते हैं यासीन वैली के अंदर गिलगित में। जनाब जो कल पकड़ी थी मुकेबला खान साहब की कोशिशों से, अभी नाश्ते में हमने इसको फ्राई करते हैं, रात को भी खाई और यासीन वैली में पीछे वो लाओ ना, मैं तो नहीं खाता क्या बंदोबस्त नहीं है तो अगला क्या प्रोग्राम अशको मन वापस जा रहे हैं।